तो फिल्म अभिनेता शशि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनको श्रद्धांजलि देने वाले लगातार उनके घर तक पहुंच रहे हैं। कई हस्तियां शशि कपूर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगी। पीएम मोदी ने भी शशि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया है। जिसने भी अभिनेता शशि कपूर के निधन की खबर सुनी उसकी आंखें नम हो गई। पूरा बॉलीवुड गहरे सदमे में डूब गया और आखिरी विदाई देने के लिए तमाम हस्तियां उनके घर पहुंचने लगी। बच्चन परिवार से लेकर कपूर खानदान सभी शशि कपूर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। काजोल, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। हमारा एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया है, एक हमने हमदर्द खोया है, एक हमने बहुत अच्छा एक्टर खोया है, एक हमने बहुत मददगार शख्सियत खोई है। शशि कपूर के निधन को बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने बहुत बड़ी क्षति बताया है, तो साथ ही इसे सिनेमा जगत के एक युग का अंत मान रहे हैं। वहीं सुर कोकिला लता मंगेशकर ने शशि कपूर के निधन पर शोक जताया है। आपको बताएं हम कि जब एक अच्छा कलाकार और कलाकार के साथ अच्छा इंसान इस दुनिया से जाता है तो लगता है कि आसमान से एक और सितारा टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शशि कपूर के निधन पर दुख जताया है। शशि कपूर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बेहतरीन अदाकार थे, चाहे फिल्में हो या फिर थिएटर, हर जगह उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका शानदार अभिनय आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। उनके अचानक निधन से गहरा दुख है। 79 साल की उम्र में शशि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। और शशि कपूर के घर से हमारे सहयोगी विकास राधेश्याम हमसे जुड़ रहे हैं, जबकि पंकज मिश्रा अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। कोकिलाबेन अस्पताल में शशि कपूर का पार्थिव शरीर रखा गया है। सबसे पहले पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि कब यहां से घर के लिए रवाना हो सकते हैं शशि कपूर के पार्थिव शरीर को लेकर घर वाले? अक्षय, आपको बता दूं कि इस वक्त शशि कपूर का जो शव है वो इसी कोकिलाबेन अस्पताल में जो है वो रखा हुआ है, और तमाम जो उनके परिवार के करीबी हैं वो उनके साथ इस वक्त भी मौजूद हैं। और यहाँ से करीब उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 बजे के आसपास जो है उनके शव को जो है वो पृथ्वी थिएटर ले जाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी थिएटर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पृथ्वी थिएटर को इतनी बड़ी पहचान दिलाने में शशि कपूर का बहुत बड़ा रोल है, और वहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर लोग जो उनके करीबी हैं, जो बॉलीवुड के जो दिग्गज कलाकार हैं वो उनके आखिरी दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अक्षय कि जब से शशि कपूर के देहांत की खबर आई है तब से ही बॉलीवुड में जो सदमा है उससे ये साफ होता है कि शशि कपूर भले ही आज स्क्रीन पर नहीं थे लेकिन वो बॉलीवुड के लिए एक ताकत थे और वो बेहद अनमोल थे उन सब के लिए जिनके साथ उन्होंने काम किया है। कुछ शख्सियत दिल में बसती हैं और उनमें से एक शशि कपूर साहब रहे जो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते आए और राज करते रहेंगे। शशि कपूर के घर के बाहर से हमारे संवाददाता विकास राधेश्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, वैसे तो अभी घर पर उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है लेकिन रात से ही जैसे ही सबको पता चला बॉलीवुड में घर में लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। क्या शशि कपूर के तीनों बच्चे पहुँच चुके हैं और बाकी जो कपूर खानदान के लोग हैं सब पहुँच चुके हैं उनके घर पर? बिल्कुल, देखिए कपूर खानदान के सारे लोग जो हैं वो रात ही में यहाँ पर पहुँच चुके थे, और साथ ही जो बॉलीवुड के जितने भी बड़े सितारे हैं उन्होंने भी यहाँ पर आके जो है पूरे परिवार के साथ में अपनी संवेदनाएं जताई थी। और ख़ास तौर पे सबसे पहले जो आए थे वो बच्चन साहब, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन, खुद तीनों लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद तांता लग गया, सैफ, करीना आए और लगातार सारी जितने भी सितारे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर ये बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पृथ्वी थिएटर अभी तक यही बताया जा था कि पृथ्वी थिएटर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि अस्पताल से सीधे उनके शरीर को जो है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, और वो सांता क्रूज में है और पूरा परिवार जो है वो सीधे वहीं पे पहुंच रहा है, क्योंकि रात ही में बारिश इस तरीके से हो रही है उससे मुसीबत हो सकती है, कोई प्रोग्राम में चेंज आने की संभावना? Uh,
शायद अक्षय इसीलिए ये प्लान को थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था पृथ्वी थिएटर उनसे दिल से जुड़ा हुआ है पृथ्वी थिएटर, और लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे थे, लेकिन जब अभी ये खबर ये आई है कि अस्पताल से सीधे उनको उनके पार्थिव शरीर को शमशान भूमि ले जाया जाएगा, तो मतलब साफ है ये मौसम के बदलते मिजाज से भी शायद ये कदम लिया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास राधेश्याम, आपका भी और साथ ही पंकज आपका भी, हम आपके पास फिर आएंगे अपडेट्स के लिए।